बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिहिनस्ताईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, मन ज़ल्लज़ी यश्फ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। سامعین کرام, پچھلے درس میں آخر میں شفاعت کے تعلق سے ہم نے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بابت جانا کہ उलुल अज़्म रसूल यहाँ तक के सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला ये है कि आपने कुरान व हदीस के ज़रिए से ये बात साफ साफ खुले तौर से पहुँचा दी कि अल्लाह तबारक व ताला के मामले में हमारा कोई दखल नहीं है। और अगर कोई बंदा शिर्क और कुफ्र पर, निफाक़ अकबर पर इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में भी इजाज़त नहीं थी कि दूसरे आम अफराद तो दरकिनार, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। यहाँ तक के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त तो मिली, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त नहीं मिली। और मैंने वालिदा का, चचा का तस्किरा पिछले दर्स में किया था। इस माना की बहुत सी रिवायतें हैं, मैं सिर्फ इशारा करूं कि आपने बारहा सही मुस्लिम की वह हदीस सुनी होगी जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी वारिद है कि आपने अपने करीब तर ख़ानदान और अफराद को मुखातब करके नाम ले लेकर कहा। मिसाल के तौर पर आपने फरमाया आगाज़ में, या बनी अब्द मुनाफ ला अम्लिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, ऐ बनी अब्द मुनाफ, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे किसी मामले का इख्तियार नहीं रखता, किसी मामले का मालिक नहीं हूँ। या अब्बास, अम्मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अम्लिकु लका मिनल्लाहि शैया, ऐ अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, मैं आपके लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई इख्तियार नहीं रखता। इस जुमले से पहले आपने कहा या सफ़िया अम्मता रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के ऐ सफ़िया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, ला अम्लिकु लके मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई इख्तियार नहीं रखता। ये सही मुस्लिम के हदीस में मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम की बाज़ रिवायतों में आपका मज़ीद तफसील से तस्करा है। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आपने फरमाया कुरैश और उसके मुख्तलिफ़ ख़ानदानों का को ख़िताब करके, फिर करीब तर रिश्तेदारों को ख़िताब करके, यहाँ तक के आखिर में आपने अपनी लख्त जिगर, अपनी दुख्तर सैयद जो जन्नत में औरतों की सरदार कहलाई कही जाती हैं, हज़रत फ़ातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से ख़िताब करके कहा, या फ़ातिमा बिनते रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलीनी मिन माली मा शेती, मेरे माल में से जो चाहो मांग लो, ला उग्नी अनके मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। अभी तक पिछले दर्स में हमने जिन लोगों का तस्करा किया था वो गैर मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक लोग थे। यहाँ जो मैं आज इशारा कर रहा हूँ जिन रिवायतों की तरफ, ये मुसलमानों के बारे में है। आपने जहाँ अपने रिश्तेदारों से कहा, सहाबाए कराम से भी ख़िताब करके कहा, बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि ला उल्फियन अहदकुम यति यौमल क़ियामा, कि मैं तुम में से किसी ऐसे शख्स को ना पाऊँ कि क़यामत के दिन वो आए हाँ और उसके कंधे पर ऊँट सवार हो और चीख रहा हो, बिलबिला रहा हो, हाँ, या फिर उसके कंधे पर बकरी हो और मेमियाँ रही हो, चीख रही हो, या कोई कपड़ा हो जो फड़फड़ा रहा हो, और ये मुझसे कहे अगिसनी अगिसनी, कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, तो मैं जवाब दूंगा कि कद अबलग़्तुकुम, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया था, तुमको साफ साफ तालीम दे दी थी। क्या मतलब है इस हदीस का? सहाबाए कराम को रज़ी अल्लाह अन्हुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िताब करके रहे, तुम में से किसी को मैं इस हालत में क़यामत के दिन ना पाऊँ, और ऊँट सवार हो मतलब
ऊँट हो उसमें ज़कात अल्लाह का माल निकालना फ़र्ज़ हुआ और उसने ऊँट की ज़कात नहीं निकाली, बकरी की ज़कात नहीं निकाली, कपड़ों की ज़कात नहीं निकाली, अब ये चीज़ें क़यामत के दिन उस पर सवार होके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब की शक्ल में मुसल्लत हों और वो आके कहे कि अल्लाह के रसूल मुझे मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए, तो मैं ये जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता, मैंने तुम्हें पहुँचा दिया था, दीन की तालीम दे दी थी, ये बता दिया था कि अगर तुम ये गलती करोगे तो अल्लाह के यहाँ ऐसा होगा, मतलब ऐसे लोगों के मैं काम नहीं आ सकूँगा। ये अहले ईमान से और फिर इंतहाई करीबी लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों ही नहीं अंबिया के सरदार अपने इंतहाई ख़ास और इंतहाई करीब लोगों से इस तरह कह रहे हैं तो कितनी साफ बात हो जाती है कि अगर ईमान और अमल सालेह नहीं है तो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ किसी की सिफारिश, किसी का रिश्ता, मालो दौलत, हसब व नसब कोई काम नहीं आएगा और कोई सिफारिश करने की इजाज़त नहीं पाएगा जब तक कि तौहीद न हो। यहाँ फ़र्क ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अखस और करीबी लोगों को ख़िताब किया वो अहले ईमान थे, सहाबा कराम हों या फिर बाद के मुसलमान हों, अगर उनके यहाँ तौहीद है तो हमने तफसील से ये बात जानी कुरान और हदीस की मुतअद्दद दलीलों से कि ऐसे लोगों को यहाँ जो तौहीद की बुनियाद और ईमान पाया जाता है, हाँ, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला इस नेमत से नवाजेगा कि उनके हक़ में सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी। ये मज़मून इंतहाई साफ़ होने के बाद सवाल ये उठता है कि फिर इतनी साफ साफ तालीमात के बाद आखिर एक बहुत बड़ा तबका इस गलत फहमी का शिकार क्यों है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या बुज़ुर्गान दीन को अपना सिफारिशी समझकर वो काम करता है जो मुशरिकीन अपने बुतों और माबूदों के साथ किया करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि इस अमल को वो कुरान की दलीलों से, हदीस की दलीलों से, अक्ल और क़यास की दलीलों से साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और जो नहीं मानते जैसे हम इसका रद्द कर रहे हैं तो इस पर वो दुश्मनी का मुजाहरा करते हैं, इसकी तरदीद करते हैं और नाराज़गी का खुला मुजाहरा करते हैं, जबकि वो सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। और हम जो बात पेश कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक ये सिर्फ अपने मसलक की बात नहीं है बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला के नाजिल की हुई तालीम और उसकी जानिब से आयद किया हुआ फरीज़ा है कि हम ये हक बातें, सच्ची बातें लोगों तक पहुँचाएँ। लोग अगर इसे कबूल करते हैं तो ये उनके लिए मुफीद है, लेकिन दीन के मामले में यही एक बहुत बड़ा जुल्म और मामला उलट होता है। अगर दुनिया के उमूर में कोई भूखे को खाना खिला दे तो खाना खिलाने वाले का वो एहसान मानता है, लेकिन यहाँ हमने देखा दीन के मामले में कि रूहानी भूख मिटाने वाले जो अंबिया और पैगंबर भी आए, हम जैसे लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है, शुमार और कतार में नहीं है, कोई हैसियत नहीं है हमारी। अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम आए तो उनका मामला क्या हुआ, उन्होंने रूहानी भूख मिटाने वाला हिदायत का मादा और नेमत लोगों के सामने पेश की तो लोग उनके दुश्मन हो गए, जबकि उनको सर पे बिठाना चाहिए था, उनका ये मकाम था, ये उनकी भलाई के लिए आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मक्का में काबतुल्लाह शरीफ में लोगों ने आपके गले में चादर डाल के खींची, हाँ, और आपकी नसें तनने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुदाखलत करके जो जुमला कहा था, मोमिन आले फ़िरौन का जो जुमला कुरान में मनकूल है वही जुमला कहा, उन्होंने चादर खींचने वालों को धक्का दिया, हटाया, आपको छोड़ाया और जुमला कहा, अतुरीदूना अन तख्तुलु रजुलैन युरीदु यकूलु रब्बी अल्लाह, सही बुखारी की रवायत है कि तुम एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। हाँ, मुशरिकी ने मक्का की सरजनिश कर रहे हैं, इनका जुर्म क्या है, वो कह रहे हैं कि मेरा रब अल्लाह है। आज हम भी जो बातें पेश कर रहे हैं वो क्या है, अल्लाह की तौहीद, उसकी अजमत, उसकी जलाल और किबरियाई, कुरान की सबसे अजीम शान आयत जिसे बिला तफरीक़ मसलक सारे लोग पढ़ते हैं बरकत हासिल करने के लिए, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये पढ़ते हैं इसकी फजीलत, लेकिन इसके माना और मफहूम को समझने के लिए तैयार नहीं है। हम उसी की उसके एक फ़िक्र और जुमले मंज़ल लज़ी अशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही नहीं किए, माना और मफहूम को साफ साफ गुज़िश्ता कई दुरूस हुए और अभी भी शायद दो एक दर्स होना बाकी है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की अजमत व किबरियाई और उसकी तौहीद की दलील के तौर पर ये जो जुमला अल्लाह ने फरमाया है इसका माना और मफहूम क्या है। इसे ना समझने की बुनियाद पर लोग शिर्क में पड़ जाते हैं, अल्लाह की अजमत से
दूर चले जाते हैं, जो मानना और जिसका एतराफ़ ज़बान से तो कर रहे हैं आयतल कुर्सी पढ़कर, लेकिन अपने अकीदे और अमल में उसे जगह नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी गलत फहमी और फिर कुरान हदीस और अहले हक की मुखालफत का सबब क्या है। तो उसकी वजह यह है कि इस शिफात का अकीदा जुड़ा हुआ है वसीले से। जब एक आदमी किसी को शफ़ी मानता है सिफारशी, तो उसके पास मुतालबा ले जाता है दुनिया के अंदर कि आप मेरी सिफारिश कर दें, तो गोया उस जिससे मुतालबा सिफारिश का कर रहा है उसको वसीला और ज़रिया बना रहा है। अब कुरान और हदीस में लफ्ज़ वसीला का इस्तेमाल हुआ और दुनिया के अंदर अकली बुनियाद पर लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए यहाँ वसाइल की ज़रूरत पड़ती है, वसीलों की ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी अकल कहती है, ये जैसा कि इससे पहले भी गुजरा, वो कहते हैं कि जब दुनिया के उमूर हम देखते हैं कि बग़ैर वसीले के अंजाम नहीं पाते, हाँ, तो अल्लाह ताला के पास कैसे बग़ैर वसीले के काम बनेगा। ये उनकी अपनी अकल है जिसका कुरान और हदीस ने रद्द किया कि वो मखलूक़ात को अल्लाह पर क़यास कर रहे हैं। पीछे दुरुस में गुज़रा कि दुनिया में शफ़ात सिफारिश और वसीले से मुतालिक जो बातें होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला का मामला वैसा है ही नहीं कि उस पर क़यास किया जाए। दुनिया के जिन लोगों के पास सिफारिश की जाती है वो लोग दूर होते हैं उस शख्स से जो हाजतमंद है, इसलिए उसे पहचानने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में लाइल्म होते हैं, उनके हालात से नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए ज़रूरत पेश आती है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों से दूर नहीं है अपने इल्म और अहाते के एतबार से। उसे किसी चीज़ को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई अल्लाह को ये बताए कि तेरे फलां बंदे को ये हाजत है और उसे पता नहीं। उसने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ मुझसे जो नेक बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं, वो दुआ मांगेंगे तो कबूल करूँगा, बाकी अगर गुनहगार बंदे दुआ मांगेंगे तो कबूल नहीं करूँगा। जी नहीं, अल्लाह तो बार बार कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बल्कि गुनहगार अगर तौबा करता है तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो शख्स सहरा में अपने सामान समेत ऊँट को गुम पाए और बेहोश हो जाए, होश आए और जब वो देखे कि ऊँट फिर से मौजूद है अपने सामान साजो सामान समेत, तो मारे खुशी के वो कहता है कि अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, जुमला उल्टा कह देता है कि अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूँ। उसको कहना चाहिए कि तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा हूँ, उलट कह देता है मारे खुशी के। अल्लाह ताला तबारक व ताला के औसान ख़ता नहीं होते, लेकिन उसकी मिसाल दी गई कि जिस तरह ये बंदा खुश होता है ऐसे अल्लाह उस गुनहगार बंदे की तौबा से, जो सच्ची तौबा करता है, जो गुनाहों में मुलव्वस था और अल्लाह ताला से नादिम होकर उसके सामने सर झुकाता है, रुजू करता है और ये अहद व पैमान करता है कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उससे तो खुश होता है। ऐसे बंदे को अल्लाह ना नवाजे, नामुमकिन बात है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला पर को दुनिया के लोगों पर क्यास करना पहली ख़ता तो यही है। दूसरी बात कि कुरान और हदीस में जहां लफ्ज़ वसीला आया है उनके माना और मफहूम को समझने में ख़ता होती है। आज के और अगले दर्स में हम वसीले से मुतालिक जानने की कोशिश करें कि वसीला तवस्सुल जो कुरान में आया है, हदीसों में जिसका तज़किरा है, सही हदीसों में उसका माना और मफहूम, उसकी मुराद क्या है, एक, और जिन रिवायतों का लोगों में शोहरा है वसीले के जवाज़ के तौर ताल्लुक़ से, लेकिन वो रिवायतें सही नहीं हैं बाज़ का, उनका भी तज़किरा इंशाअल्लाह हम अगले सुतूर में करेंगे। वसीले के जवाज़ के लिए कुरान मजीद की दो आयतें पेश की जाती हैं जहाँ कुरान में दो मकामात पर लफ्ज़ वसीला बिल्कुल साफ साफ आया है। पहली आयत सूरह मायदा की आयत नंबर 35 है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा वबतगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला चाहो। हम तर्जुमा करते हैं वसीले की तलाश करो, वसीला तलाश करो, वसीले को इख्तियार करो, इब्तगा यब्तगी चाहना, तो उसकी जानिब वसीला इख्तियार करो। यहाँ लफ्ज़ वसीला इस्तेमाल हुआ। दूसरी आयत अभी तशरीह और तर्जुमा पढ़ने से पहले दूसरी आयत पेश कर दूँ, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 57। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना यदउना यबतगूना इला रब्बिहिम वसीला, यही वो लोग हैं जिन्हें ये पुकारते हैं, ये खुद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब वसीला ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, अय्युहुम अक़रब के उनमें से कौन ज़्यादा करीब है, वयरजूना रहमतहू, और ये लोग
अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, वयखाफून अज़ाबहू और उसके अज़ाब से डरते रहते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, यकीनन तुम्हारे परवरदिगार का अज़ाब ऐसा है कि उससे डरा जाए, डरने के लायक है, डरना चाहिए। ये दो आयतें हैं जिसमें लफ्ज़ वसीला है। अब पहले हम ये देखें कि वसीले का अरबी ज़बान में माना क्या होता है लुग़वी एतबार से। लुग़त में वसीले का लफ्ज़ का माना होता है वसला इला फ़लानिन ए रग़बा इला फ़लानिन, किसी चीज़ की तरफ रागिब होना, किसी चीज़ को तलब करना, ये माना होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ लुग़वी तशरीह में लंबा चौड़ा नहीं जा रहा हूँ, मेरे सामने लंबी तशरीह है, तवसला इलैह का माना होता है तवसला वसला वसला वाओ सीन लाम, तवसला इलैह के माना होता है तकर्रबा इलैह, फलां से कुर्बत हासिल की। तवसला इलल्लाह अगर कहा जाता है, अल्लाह की तरफ वसीला पकड़ा, तो अरबी लुगतें उठा के देखिए, तहजीबुल लुगा है मुफरदात अस्फहानी की या आम लुगात जो है उन्हें देखिए, इसका माना होता है यानी ऐसा आमिला आमलन हाँ तकर्रबा बिही इलल्लाह, कि अल्लाह की तरफ तवस्सुल इख्तियार किया का मतलब ये लिखा करते हैं लुग़वी एतबार से कि अल्लाह की तरफ ऐसा अमल किया, ऐसा नेक अमल किया जिसके ज़रिए से अल्लाह की क़ुर्बत चाही, अल्लाह के करीब और नज़दीक होने की कोशिश की उस अमल के ज़रिए से, मतलब वो अमल वसीला हुआ। इसी तरीके से वसीले का जो एक माना है वसीले का एक माना है अलमंज़िलतुल अलिया इलल मलिक, के लफ्ज़ वसीला इसी से बना है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ज़रिया बोलते हैं, वसीला ज़रिया इसकी जमा वसाइल। तो एक माना वसीले का होता है बुलंद मकाम, बादशाह के पास ऊंचा दर्जा बुलंद मकाम। यानी इन लुग़वी तशरीहात का हासिल ये है कि अहले इल्म ने कहा कि लफ्ज़ वसीला अरबी ज़बान में जो उसके मुख्तलिफ़ मानी हैं उसको अगर हम खुलासा बयान करें तो एक उसका माना ये होगा क़ुर्बत यानी नज़दीकी, रग़बत यानी किसी तरफ किसी की रग़बत रखना, शौक़ रखना किसी की तरफ, वलहाजा ज़रूरत तलब, और एक माना है मंजिला मकाम दर्जा। ये वसीले के लुग़वी माना है, और ये जितने भी माना हैं ये एक दूसरे से मानवी एतबार से जुड़े हुए हैं, मुतकारिब हैं, बल्कि एक माना दूसरे माना को मुस्तलज़िम है। जब नज़दीकी होगी तभी तो ऊंचा मकाम होगा, हाँ हाँ, और इंसान की ज़रूरियात पूरी होगी उस ज़ात से जिसकी नज़दीकी इख्तियार कर रहा है। तबस्सुल का शरई माना यानी कुरान और हदीस में इस्लाम में जब हम कहते हैं कि हमने वसीला इख्तियार किया या कुरान कह रहा है कि वसीला इख्तियार करो अल्लाह की तरफ, तो इसका शरई माना क्या होगा? अहले इल्म कहते हैं हुवा तकर्रुबु इलल्लाहि तआला बिमा शरअहु फी किताबी व अला लिसान रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वाजिबाति वल मुस्तहब्बात। कहा कि तवस्सुल का माना होता है अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला की नज़दीकी हासिल करना। कैसे हासिल करना? हाँ, बिमा शरअहु अल्लाह फ़ी किताबी, उन चीज़ों के ज़रिए से जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में मशरू किया, जिन चीज़ों के करने और ना करने की तालीम कुरान में दी, व अला लिसान रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन चीज़ों को इख्तियार करने से जिसकी तालीम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दी, यानी कुरान और हदीस को इख्तियार करने अपनी ज़िंदगी में और अमल करने से, मिनल वाजिबात वल मुस्तहब्बात, वो वाजिब चीज़ें हों या मुस्तहब चीज़ें हों, यानी फ़राइज़ को इख्तियार करके और मसनून और मुस्तहब आमाल और चीज़ों को इख्तियार करके आदमी बंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला की नज़दीकी इख्तियार करें। अब ये लुग़वी माना और शरई माना हमने सुना, दोनों में क्या ताल्लुक़ हुआ? तो कह रहे हैं कि लुग़त में लुग़त का जो माना है वो तकर्रुब है या उस वो चीज़ जिस तक आदमी पहुँचे, तवसला इला फ़लानिन ए वसला इला फ़लानिन, हाँ अल वसीले का माना होता है वो चीज़ जो मकसद तक पहुँचाए, अलमूसिला तो इलल मकसद इलल मंजिल, हाँ जो आदमी की ख्वाहिश है या मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने का ज़रिया। तो लुगत में ये माना हुआ, और शरीयत में भी माना ऐसा ही है। फ़र्क क्या है शरई और लुगवी माना में? कि शरीयत में नज़दीकी का माना ये मुकैद है, ख़ास है सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के लिए। यानी आप दुनिया में कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ के से करीब होने का ज़रिया है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ होने के का ज़रिया है, लेकिन जब वसीले का हम शरई माना इख्तियार कर रहे हैं तो यहाँ
तहदीद और पाबंदी हो गई कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है और कैसे हासिल करना है, हाँ, उस चीज़ के ज़रिए से जिसको अल्लाह तबारक व ताला पसंद करता है, जिसको चाहता है। बिमा युहिब्बुहु व यर्दा, ये कैद है। अल्लाह ताला ने जो मुतय्यन कर दिया कि मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ, वो चीज़ जब आप करेंगे तो अल्लाह की कुर्बत मिलेगी। मैं ये चीज़ नापसंद करता हूँ, वो चीज़ छोड़ेंगे तो अल्लाह की कुर्बत मिलेगी। आपसे अगर किसी ने कह दिया कि मेरा सेक्रेटरी फलां है, हाँ, तुमको अगर कोई अर्जी दरख्वास्त मुझे पेश करनी है, कोई बड़े फैक्ट्री का मालिक है, हाँ, इदारे का ज़िम्मेदार है, कि मेरे फलां असिस्टेंट के ज़रिए से आप आइए। अब आप उस असिस्टेंट को छोड़ के कहते हैं कि फलां कंपनी का एक आदमी बहुत काबिल है, मैं उसको ज़रिया बना के जाऊँगा उसके पास, तो क्या वो कबूल करेगा? कहेगा कि भाई मेरा असिस्टेंट मैंने उसको मुतय्यन करके रखा है, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ, हाँ, वो मेरा सेक्रेटरी है, असिस्टेंट है, उसे छोड़कर आप कितने भी काबिल आदमी को दूसरे को लाओ तो मेरे लिए क्या मतलब रखता है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुर्बत इख्तियार करने के लिए जिन चीज़ों को मुतय्यन किया है कि ये चीज़ें करोगे, इन चीज़ों से बचोगे तो मेरी नज़दीकी कुर्बत मिलेगी, उसे छोड़कर अगर हम अपनी तरफ से ये तय करें कि फ़लाँ काम कर लेंगे तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, क्या ये दुरुस्त होगा? जी नहीं, ऐसा करने से आदमी अल्लाह से दूर होगा, क्योंकि दीन और शरीयत ने जो चीज़ नहीं बताई है, अगर वो आदमी अपने तरफ से अच्छा समझ कर भी करे, अच्छी नीयत से भी करे, तो चूँकि कुरान और हदीस में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई है, इसलिए वो उस अमल को करना बिदात कहलाएगा, अल्लाह और रसूल की मुखालफत और दुश्मनी कहलाएगी, उससे आदमी अल्लाह से करीब होने की बजाय और दूर करेगा। बिदत करने वाले का यही अंजाम होता है कि वो जितनी मेहनत अपनी बिदत में करता जाता है उतना अल्लाह से दूर होता जाता है, और ये बिदत बज़ाहिर नेक काम होती है। गुनाहों में के कामों में, जिना चोरी बदकारी में बिदत नहीं होती, बिदत वो चीज़ होती है जो दीन की शक्ल में आती है, और आदमी सोचता है कि इसके करने में क्या हर्ज है। ये हर्ज है कि आप उसमें जितनी मेहनत करेंगे उतना अल्लाह से दूर होंगे, गुनहगार होंगे, शरीयत के मुजरिम बनेंगे। तो खैर, यहाँ कैद है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल की जाए, और किन चीज़ों के ज़रिए से हासिल की जाए? जिसको अल्लाह पसंद करता है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करने की हकीकत यह है कि उन रास्तों की रियायत करना जो इल्म और इबादत से मुतालिक है, और मकारिम अखलाक जो कुरान और हदीस ने बताए, ये मैंने तशरीहन कुरान और हदीस वाली कैद लगा रहा हूँ क्योंकि उनके सियाक से जाहिर है कि मकारिम अखलाक को इख्तियार करना और इल्म और इबादत यानी दलाइल को कुरान और हदीस की बुनियाद पर किसी चीज़ को मानना, इख्तियार करना और उसके मुताबिक इबादत करना, इन चीज़ों को इख्तियार करना अल्लाह तबारक व ताला के लिए की तरफ वसीला इख्तियार करना है, और ये कुर्बत की तरह है, कुर्बत के माना है। माना में यहाँ मेरे सामने मौसूआ है अकीदे के मुतालिक, इसमें ये बयान करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, अल्लाह की तरफ वसीला इख्तियार करने की हकीकत क्या है। हकीकतुत तवस्सुल, कुरान और हदीस के नुसूस में जो तवस्सुल का लफ्ज़ आया है, इसकी हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की कुर्बत हासिल करना बेताअत ही, उसकी इताअत के ज़रिए से। इस अम्र के अंदर वो सारे अहकामात दाखिल हैं जिसका अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है और जिसका उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को अगर हम मान रहे हैं तो अल्लाह की इताअत के ज़रिए से अल्लाह के करीब हो रहे हैं, यानी हम वसीला इख्तियार कर रहे हैं। ये अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है, ये तमाम वाजिबात और मुस्तहब्बात को घेरे हुए है, शामिल है। यानी शरीयत में जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया गया है, कहा गया है, वाजिब कहा गया है, या जिन चीज़ों को सुन्नत व मुस्तहब कहा गया है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। उन पर अमल करना, उनको इख्तियार करना, ये अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत का ज़रिया है। लेकिन जो अमल वाजिब नहीं है और ना ही मुस्तहब है, अच्छी तरह समझ लें कि जो अमल वाजिब नहीं है और ना ही मुस्तहब है कुरान व हदीस की बुनियाद पर, हाँ, तो वो अमल इसमें दाखिल नहीं होगा। अगर आप वो अमल करते हैं तो कितना ही खूबसूरत दिख रहा है आपको, कितना ही अच्छा और नेक अमल लग रहा है, आप उसे इबादत समझ रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला से कुर्बत का वसीला लगाने का ज़रिया नहीं, वसीला नहीं कहलाएगा। हाँ, फ़ला यदखुलु फ़ी, चाहे वो हराम काम हो, मकरूह काम हो, या मुबाह काम हो। मुबाह उस अमल को कहते हैं कि जिसके करने पर ना अजर सवाब मिलता है और ना गुनाह। मकरूह है जिसका छोड़ देना पसंदीदा है और इख्तियार कर देने पर कोई गुनाह नहीं है। हराम वो है जिसको इख्तियार करने पर आदमी गुनहगार होता है, छोड़ना फ़र्ज़ और लाजिम है। हाँ, तो कहा कि मुबाह हराम या मकरूह अमल अगर होगा तो ये इसमें दाखिल नहीं होगा,
यानी अल्लाह की कुर्बत वाले आमाल में। चुनांचे तवस्सुल अल्लाह की इताअत के ज़रिए से इख्तियार करना फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह की कुर्बत उसकी इताअत के ज़रिए से इख्तियार करना ये फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। साहिब मौसुआ या असहाब मौसुआ बड़ी प्यारी बात आगे कहते हैं कि रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और शफाअत के ज़रिए से आपकी के ऐ अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए, आप सिफारिश कर दीजिए, आपकी सिफारिश, इसके ज़रिए से वसीला इख्तियार करना। तो ये एक दूसरी किस्म है, यहाँ सिर्फ दो लाइन में इन्होंने तज़किरा किया, हम अगले दर्स में इसकी कुछ तफसील पढ़ेंगे। तो ये दूसरी किस्म है और ये अल्लाह के अल्लाह ताला की जानिब से उनकी दुआ और शफाअत को कबूल करने के बाब से है, अल्लाह की जानिब से उन पर एज़ाज़ की तौर पर। अब नबी करीम सल्लम से ये कहना कि आप दुआ कीजिए, ये दुनिया में मुमकिन था जब आप मौजूद थे लोगों के दरमियान, आपकी वफ़ात के बाद दुनिया में ये नहीं हो सकता। क़यामत के दिन जब अल्लाह की इजाज़त मिलेगी तब होगा, जैसा कि आपने पिछले दुरूस में जाना। अब कह रहे हैं कि लफ्ज़ तवस्सुल जो है वो उन अल्फाज में से है, लफ्ज़ तवस्सुल उन अल्फाज में से हैं जिसमें इजमाल और इश्तराक वाक़ हुआ है। क्या मतलब है इसका कि जब हम इजमाली तौर से कहते हैं कि वसीला इख्तियार करना चाहिए अल्लाह की तरफ, तो ये एक बात मुख्तसरन है, तफसीलन नहीं है, और इसमें लफ्ज़ वसीला में कई माने का इश्तराक है। सही वाला वसीला भी हो सकता है, गलत वाला वसीला भी हो सकता है, यानी मुश्तरक होता है। तो कहा इसी की वजह से, चूंकि ये लफ्ज़ मुजमल और मुश्तरक है, इसी की वजह से लोगों के जहन में इसे समझने के सिलसिले में खब्त और ये क्या है इल्तिबास वाक़ हुआ है। लोग उलझन में पड़ गए, सही को गलत और गलत को सही से अलग नहीं कर पाए, चुनांचे सही वाले वसीले से गलत वाले पर इस्तेदलाल करके गुमराही का शिकार हो गए, लोग खब्त में पड़ गए। शेख अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन रहमहुल्ला कहते हैं कि लफ्ज़ तवस्सुल मुश्तरक बन गया, मुश्तरक हो गया, चुनांचे नतीजा क्या निकला कि जो कबर परस्त लोग हैं, कुबूरी लोग, उबादुल कुबूर, कबरों की इबादत करने वाले लोग, इसको इसका इतलाक़ लफ्ज़ तवस्सुल का इतलाक़ करते हैं, यानी इसका मतलब क्या समझते हैं कि गैरुल्लाह के ज़रिए से फरियाद तलब करना, गैरुल्लाह से दुआ करना, रग़बत और खौफ के ज़रिए से, इन शौक़ और खौफ के ज़रिए से, जो अल्लाह का हक़ है। हाँ, इसी तरीके से गैरुल्लाह के लिए ज़बह और क़ुरबानी करना, उनके लिए नज़र नियाज़ करना और उनकी तज़ीम ऐसे कामों के ज़रिए से करना जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक के हक़ में जायज़ नहीं किया है, मशरू नहीं किया है, जो सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। तो अब ये कबर परस्त लोग जो हैं लफ्ज़ वसीला का माना क्या लेते हैं, यानि बुज़ुर्गान दीन और असहाब कबूर फ़लाँ और फ़लाँ औलिया और सालेहीन के लिए नज़र नियाज़ करना, उनसे इस्तेगासा करना, फ़रियाद तलब करना, उनको गौस समझना, हाँ उनके लिए अल्लाह के वो काम करना इबादत के जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास है, इसको वसीले के इस का ये माना पहना दिया अहले कबूर ने। लेकिन अहले इल्म और अहले हक जो हैं वो वसीले के लफ्ज़ का इतलाक़ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला की मुताबियत पर, इत्तेबा पर, हाँ, और सुन्नत को इख्तियार करने पर, नबी का जो तरीक़ा है उसे पकड़ लिया जाए, उसे लिया जाए। चुनांचे वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ वसीला इख्तियार किस चीज़ के ज़रिए से करते हैं, उन इबादात और आमाल के ज़रिए से जो अल्लाह ने मशरू किया है कुरान के ज़रिए या नबी के ज़रिए से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले इल्म और अहले तहकीक तवस्सुल का जो इख्तियार करने की तालीम है उसका ये माना लेते हैं, और उस चीज़ को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और नबी लेकर आए हैं जो तालीमात और शरीयत, उसको इख्तियार करते हैं। यही कुरान और हदीस के उर्फ में हकीकी तवस्सुल है, कुरान और हदीस के अंदर जो वसीले का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हकीकत में उसका यही माना और यही मुराद है। अब तीसरा कहते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तवस्सुल के लफ्ज़ का इतलाक़ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करना और उससे दुआ करना, कैसे, उसके नबी के जाहो मर्तबा के वास्ते से, सदक़े में, वास्ते में, वसीले से, नबी के जाहो मर्तबा से, या किसी नेक बंदे के जाहो मर्तबा और उसकी शख्सियत का वसीला लगाकर, या सालेहीन अल्लाह ताला के औलिया और सालेहीन के मकाम मर्तबा जाह और मंजिलत और उनकी शख्सियत के वसीले से दुआ मांगने को वसीले का नाम देते हैं। हाँ,
और यही जो गालिब बात के जो उल्मा हैं, इन्होंने ज़िक्र किया कि इब्न हजर हैसमी, इब्न हजर अस्कलानी नहीं, ये हैसमी, कस्तलानी और एक सुबकी जो अल्लामा इब्न तैमिया के बड़े मुखालिफिन में से थे, इन लोगों ने इसी माना में लफ्ज़ वसीला का इस्तेमाल किया है। तो ये थोड़ी सी मैंने वजाहत की कि ऐसा लोगों ने माना और मफहूम इख्तियार किया। अब आइए हम कुरान की आयत को पहले देखते हैं और उसकी तफसीर जो सूरह मायदा की पहली आयत है, अल्लाह ताला ने जिसमें इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, कौन सा माना सही है ये जानने की कोशिश करें आयत व हदीस की रोशनी में और तफसीर सलफ़ के मुकाबले की रोशनी में। अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल लदीन आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह से डरते रहो। पहले ईमान फिर तक़वा। अल्लामा इब्न कसीर ने इसकी तफसीर करते हुए पहले इसी जुमले पर जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व ताला अपने मोमिन बंदों को इस बात की तरफ तलकीन कर रहा है कि वो जो है अपना अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। हाँ, और तक़वा जब लफ्ज़ इताअत के साथ मिलकर कहीं कुरान हदीस में आता है तो इसका माना होता है हराम चीज़ों से रुक जाना, अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर देना। हाँ, तो अब अल्लाह तबारक ताला ने ये कहने के बाद आगे उसके बाद कहा वब्तगु इलैहिल वसीला, कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अल्लामा इब्ने कसीर की इबारत, चूँकि इन्होंने चंद जुमलों में बड़ी जामे बात कही है और मुफस्सरीन का गोया खुलासा पेश कर दिया, इसीलिए मैंने उसे नकल किया। वो कहते हैं कि सुफियान सौरी इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, वो तलहा से रिवायत करते हैं, वो अता से, ये भी ताबेई हैं, अता बिन अबी रबा, और वो हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं तर्जुमानुल कुरान। वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, इख्तियार करो का मतलब क्या है, यानी अल्लाह की कुर्बत हासिल करो। ऐसी ही बात इमाम मुजाहिद ने कही, अबू वायल ने कही, हसन ने कही यानी हसन बसरी, इमाम कतादा ने, अब्दुल्ला इब्ने कसीर ने, सुद्दी ने, इब्न जैद ने और मुतअद्दद लोगों ने, इनके अलावा के लोगों ने। हाँ, तो आगे कहते हैं कि कतादा कहते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर की इबारत का तर्जुमा चल रहा है, इमाम कतादा कहते हैं कि ए तकर्रबू इलैहि बिताअतिही वल अमलु बिमा युर्दीही, यानी अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रब और कुर्बत हासिल करो उस चीज़ के ज़रिए से, उसकी इताअत के ज़रिए से और ऐसे अमल के ज़रिए से जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को खुश करते हैं, अल्लाह की इताअत के ज़रिए से और ऐसे आमाल के ज़रिए से जिससे अल्लाह राज़ी होता है, उसके ज़रिए से अल्लाह की कुर्बत और नज़दीकी इख्तियार करो, इख्तियार करने की कोशिश करो। इब्तगु इलैहिल वसीला की तशरीह कर रहे हैं ये। हाँ, वक़रा इब्न ज़ैद, यहाँ ये तफसीर करते हुए इब्न ज़ैद ने सूरह बनी इसराइल की वो आयत भी पढ़ी, उलाइका अल्लज़ीना यद्उना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, कि यही लोग हैं जो अल्लाह की तरफ वसीला पकड़ते हैं नेकियाँ करके। अब आगे अल्लामा इब्न कसीर का जो जुमला है वो मैं समझता हूँ कि खुलासा है इसकी तफसीर में वारिद होने वाले अक़वाल का। वहाद अल्लज़ी क़ालहू हाउलाइल अइम्मा ला खिलाफ़ बैनल मुफस्सिरीन फ़ीह, कि ये बात जो इन अइम्मा कराम ने फरमाई है, मुफस्सिरीन के दरमियान इस माना में, इस तफसीर के सिलसिले में कोई इख्तलाफ़ नहीं है। अल्लामा इब्न कसीर कह रहे हैं कि मुफस्सिरीन के नज़दीक इस माना में कोई इख्तलाफ़ नहीं है। और फिर उन्होंने अल्लामा इब्न जरीर के इस तशरीह को नकल करते हुए उन्होंने एक शेर पेश किया इसी की तायद में, उसको नकल किया और उसके बाद अल्लामा इब्न कसीर आगे कहते हैं वल वसीलतु हिय अल्लती युतवस्सलु बिही बिहा इला तहसीलिल मक़सूद, कि वसीले का लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान में, इसका माना क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए से मकसूद के हुसूल तक पहुँचा जाता है, जो हमारा मकसद है उसको हासिल करने के लिए वहाँ तक पहुँचा जाता है, जिस चीज़ के ज़रिए उसको वसीला कहते हैं। इसी तरीके से अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं कि इसी तरह वसीला जन्नत में, जन्नत के जो मकामात हैं उनमें सबसे आला मकाम का नाम भी है, आला नाम है ये, और ये जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है, मंजिला है, और ये जन्नत में आपके घर का नाम भी है। वही अकरबु अम किनतिल जन्नत इलल अर्श, और ये जन्नत में जितनी भी जगहें हैं उनमें अर्श इलाही से सबसे ज़्यादा करीब जगह का नाम है। सही बुखारी में, उसके बाद इमाम इबन कसीर ने सही बुखारी की हदीस नकल की, वो कहते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जो शख्स अज़ान सुनकर मन काला हीना यस्मा उन नदा,
निदा, जो शख्स अजान सुनने के सुनता है तो उस वक्त सुनने के बाद ये अल्फाज कहता है, अल्लाहुम्म रब्बा हाज़िहि दावति तामा वस्सलाति अलकाइमा आति मुहम्मदन अलवसीला तवलफ़ज़ीला वबअथहु मक़ामा महमूदन लिज़वाता। तो अल्लाह के रसूल के लिए जो वसीला मांग रहा है मकाम महमूद मांगता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हलत लहु शफाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत जो है वह हलाल हो जाएगी या उसको उसका हकदार बन जाएगा वो। यहाँ अल्लामा इब्ने कसीर की इतनी इबारत मैंने नकल की, इसके बाद आप तफसीर इब्ने कसीर उठाएँ तो इस माना की और भी कई हदीसें उन्होंने नकल की सनद के साथ इस माना की। तो हासिल कलाम ये कि हम जो पढ़ना चाहते हैं कि अल्लामा इब्ने कसीर ने मुफस्सरीन सलफ़ सहाबा ताबईन और दीगर मुफस्सरीन उनके बाद के मुफस्सरीन का हवाला देकर कहा कि जितने मोतबर अहले तफसीर हैं कुरान के माना और मफहूम की तशरीह करने वाले हैं उनके नज़दीक इस आयत में जो वसीले का लफ्ज़ आया है उसका माना क्या है, इब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो का मतलब यह है कि नेक आमाल शरीयत में जो अल्लाह और रसूल के जो अहकामात हैं हुक्म हैं उनकी उनको मानकर अल्लाह की इताअत करके अल्लाह की पसंद के काम करके तुम अल्लाह की नज़दीकी और क़ुर्बत तलाश करो हासिल करो, ये वसीले का माना है। यहाँ किसी शख्सियत का बुज़ुर्गों का कब्रों का ज़रिया इख्तियार करने वाला कोई माना किसी मुफस्सिर ने मोतबर मुफस्सिर ने बयान नहीं किया, सहाबा ताबईन से ये मनकूल नहीं है। हाँ, ये पहली आयत का मुख्तसर सा मैंने मफहूम बताया। आगे दूसरी आयत को लीजिए कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जो जिनको ये पुकार रहे हैं, यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ वसीला चाहते हैं उसकी जस्तजू में रहते हैं, यानी अल्लाह की तरफ कुर्बत चाहने की कोशिश करते हैं कि किस ज़रिए से हम अल्लाह के नज़दीक हो जाएं। अय्युहुम अक़रब, कि उनमें से कौन ज़्यादा करीब है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं उसके अज़ाब से डरते रहते हैं। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, बल्कि बुखारी नहीं सहीहैन में, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से इस आयत के शान नज़ूल के सिलसिले में एक मुख्तसर सा सी इबारत है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काना नासु मिनल इंस यअबुदूना नासा मिनल जिन, के इंसानों में से कुछ लोग जिनों में से कुछ लोगों की इबादत किया करते थे पहले, इंसानों में से कुछ इंसान कुछ जिनों की इबादत करते थे। फअस्लमल जिन्नु, अब ये जिन जिनकी ये इबादत करते थे ये मुसलमान हो गए, कुरान की तालीम रसूलुल्लाह सल्लम की दावत और तबलीग उन तक पहुंची, ये मुसलमान हो गए, जिन मुसलमान हो गए। हाँ, वह तमस्सक हाउला ए बिदीन, लेकिन ये जो इंसान उनकी इबादत करते थे ये अपने दीन पर कायम रहे, उसको मजबूती से पकड़ के जकड़ के अपनी जगह पर टिके रहे, ये ईमान नहीं लाए। वो जिन इस्लाम ले आए ये काफिर के काफिर मुशरिक के मुशरिक रहे, अब ये जो जिन इस्लाम लाए इस्लाम लाने के बाद ये बजाते खुद ऐसे नेक काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वसाइल ढूंढते हैं वसीले ढूंढते हैं जो अल्लाह से उनको करीब कर देवे, यानी शिर्क और कुफ्र के कामों को छोड़कर ईमान और तक्वा इताअत के कामों को इख्तियार किया, शरीयत के और अल्लाह और रसूल के अहकामात की पाबंदी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं कि कौन सा जरिया इख्तियार करें जिससे हम अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा नज़दीक और करीब हो जाएं, और वो ऐसा करते हुए अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं अल्लाह से डरते हैं। ये इंसान जिन जिनों की इबादत कर रहे हैं वो बजाते खुद अल्लाह से डरते हैं, वो बजाते खुद अल्लाह की रहमत और उसकी उसके इनाम की उम्मीद रखते हैं, और इसके लिए वो अल्लाह की नज़दीकी इख्तियार करने के लिए वसीले की तलाश करते हैं कि कौन सा नेक अमल कर लें कौन सी नेकियां कर लें जिसके ज़रिए से हम अल्लाह के करीब हो जाएं। अब ऐसे ही बहुत सारे दुनिया के भी लोग हैं कि भाई अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो तौहीद की दावत लाए थे, अल्लाह की इबादत करो मेरी नहीं, लेकिन नसारा ने जब उनको माना तो उनको अल्लाह से मिला दिया नऊज़ु बिल्लाह। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये उम्मत के लोग बहुत से लोग कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम तो खालिस तौहीद की तालीम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो पूजा पाठ इबादत का सारा हक सिर्फ अल्लाह के लिए, मेरे लिए इबादत का कोई काम करना जायज़ नहीं है। हाँ, मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, हाँ मैं अगरचे उसका रसूल हूँ रसूलों का सरदार हूँ लेकिन अल्लाह का बंदा हूँ, आपने साफ साफ कह दिया। यही तालीम सहाबा ने दी, यही तालीम ताबईन तबे ताबईन बुजुर्गान दीन ने दी, लेकिन उनकी इस तालीम को छोड़कर लोग उन्हीं की इबादत करने लगे, कब्रों की पूजा करने लगे। वो कह रहे हैं कि हम खुद अल्लाह की कुर्बत के मुतलाशी हैं कि किस तरीके से अल्लाह से करीब हो जाएं,
लेकिन ये उनकी पूजा कर रहे हैं कि हम इनको वसीला बना के अल्लाह से कुर्बत हासिल करेंगे। बिल्कुल वही बात जो इस कुरान की आयत में बयान की गई है मुशरिकीन के बारे में, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने जो शरह की कुछ मुशरिकीन के बारे में, वही चीज़ आज भी पाई जा रही है। दोनों आयतों के अंदर लफ्ज़ वसीला जो इस्तेमाल हुआ है उसका ख़ुलासा और माना हासिल होने वाला ये है कि ऐसे अमल करना जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं शरीयत में, और अल्लाह की इताअत और खुशनुदी के कामों को इख्तियार करके उसकी कुर्बत हासिल करना, यह है लफ्ज़ वसीला का कुरान में ज़िक्र होने वाले लफ्ज़ वसीले का हकीकी साबित शुदा माना। लुगत भी इसी के मुआफिक है, कुरान की आयतों का सियाक व सबाक भी इसी को कह रहा है कि तक्वा इख्तियार करो, इताअत इख्तियार करो। आगे की आयत का हिस्सा भी पढ़ लीजिए, पीछे वाला भी, कि ईमान, तक्वा और इताअत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, अब देखिए हमारे यहाँ जो वसीले बाज लोग हैं झूठे और गलत वसीले की तालीम देते हैं, उनके यहाँ नमाज एक आदमी नहीं पढ़ रहा है, शिर्क कर रहा है, बिदत कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, निफाक इख्तियार कर रहा है, शरीयत की मुखालफत करता है, चाहे जो कर रहा है। हाँ, एक आदमी दारू के अड्डे चला रहा है, गुनाह और हराम के काम कर रहा है, और जो बुज़ुर्गों के नाम पे जो है खाना खिला देता है और नज़र व नियाज वाला एहतमाम करता है, ये मौलवी साहब जाके उसको जज़ाकल्लाह बारकल्लाह की दुआ देते हैं। अब वो हराम काम शरीयत की खुली मुखालफत कर रहा है, शिर्क कर रहा है। तो इस आयत के पहले टुकड़े को आपने छोड़ दिया कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और वसीला इख्तियार करो अल्लाह की तरफ। तो वसीला आपने पकड़ लिया, तकवा और ईमान छोड़ दिया, शरीयत पर अमल छोड़ दिया। सियाक व सबाक भी इसी को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल करने की तालीम दी जा रही है, किसी बुज़ुर्ग का दामन थामने की या उसको वसीला बनाने की तालीम नहीं दी जा रही है। अभी हमने शफात के बाब में पढ़ा कि अल्लाह के यहाँ बग़ैर इजाज़त के सिफारिश नहीं होगी, बग़ैर इजाज़त के नहीं होगी। आप इस आयत के ज़रिए से ये कहना चाहते हो कि आप बग़ैर इजाज़त के किसी को अपना सिफारशी बना लोगे, तो क्या कुरान कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा है? थोड़ी देर के लिए अकल का इस्तेमाल कीजिए, कुरान पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने कहा जिस आयत की हम तशरीह पढ़ रहे हैं सूरह आयतुल कुर्सी में, मंजल लजी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बेइज़्नि, कौन है जो अल्लाह के पास बग़ैर उसकी इजाज़त के सिफारिश कर दे? कोई नहीं है। और इसकी शरायत और तफसीलात आपने पढ़ी। अब अगर आप ऐसा मानते हैं कि हम जिसको चाहें वसीला बना लें अल्लाह के पास, वो हमारे लिए वसीला बन जाएंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर सिफारिश करेंगे। क्या कुरान ने जो मुतअद्दद मकामात पे कहा कि बग़ैर इजाज़त के कोई अल्लाह के पास सिफारिश नहीं करेगा, और आपका ये अकीदा है कि कुरान में ये कहा गया है कि वसीला इख्तियार करो, तो कुरान की आयत से टकरा रही है, मुआरिज़ है, मुखालिफ है? आप इस आयत के ज़रिए से उन तमाम आयतों का रद्द करना चाहते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं कि हमारे चाहने से कोई बुज़ुर्ग हमारे सिफारशी बन जाएंगे, कोई नबी पैगंबर हमारे सिफारशी बन जाएंगे क़यामत के दिन, कि हम उनको वसीला बना रहे हैं, और कुरान की आयतों का ये माना होता है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुरान की ये आयत जो बात कह रही है वो मंजल लजी यशफ़ा इंदहु इल्ला बिइज़्निही कुल लिल्लाही शफ़ातु जमीअन वला यशफ़ा इंदहु इल्ला लिमन अज़्ना लहू, ऐसी बहुत सी आयतों को के ख़िलाफ़ है ये आयत। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह के कलाम में कोई टकराव नहीं है। आयतों को मिलाइए, वसीले का सही माना कीजिए, तो बात क्लियर हो जाती है। क्या वसीले का मतलब यह है कि आप ईमान और अमल सालेह इख्तियार कीजिए, कुरान हदीस पर अमल कीजिए, रसूल की इताअत कीजिए, सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहिए, इसके ज़रिए से ये इख्तियार करना, ये वसीला इख्तियार करना है, अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करना है। वसीले का माना कुरान हदीस लुगत अकल सियाक व सबाक में इनसे बाहर नहीं है, ये इसी के अंदर है। अब मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि ये तो वसीले के लफ्ज़ का माना हुआ। अब जो वसीला हदीसों में कहा गया है, ऐसे ही एक हदीस और भी है, एक हदीस भी है कि हज़रत अनस कहते हैं अल्लाह के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में जब तहत पड़ा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बिदत इसको बड़ी मिसाल में पेश करते हैं, लेकिन हम आगे तफसील से जानेंगे कि जिसको वो अपने बिदती वसीले को जायज़ कहने के लिए दलील बनाते हैं, हकीकत पर उनके बिदती वसीले का रद्द करती है वो हदीस, हज़रत उमर फ़ारूक वाली हदीस। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास से इस्तिस्का की नमाज़ पढ़वाई, और फिर अल्लाह के जनाब में ख़ुद ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबीना, ऐ अल्लाह हम तेरे जनाब में कुर्बत हासिल करते थे, वसीला इख्तियार करते थे अपने नबी के ज़रिए, हाँ वह न तवस्सलु, और अब हम वसीला पकड़ते हैं, वह इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मे नबीना, अब हम वसीला पकड़ रहे हैं तेरे जनाब में अपने नबी के चचा के ज़रिए से, फ़ास्किना
बस तू हमको पानी दे दे, सैराब कर दे, बारिश दे दे। इससे अहले बिदत कहते हैं, देखिए अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला लगाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पहले लगाते थे। तो यहाँ एक बात तो ये हुआ कि लफ्ज़ वसीला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इख्तियार किया, लेकिन क्या यहाँ शख्सियत का वसीला लगाया? और अगर शख्सियत का वसीला लगाया था और ये जायज़ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़कर हज़रत अब्बास का क्यों लगाया, जबकि हाजत ज़रूरी थी? अगर एक आदमी मर रहा है, एक आदमी की मौत हो रही है या बहुत शदीद हाजत है, तो उसको आप छोटा वाला जो कमज़ोर डोज़ है वो देंगे कि इससे शिफा मुमकिन भी है नहीं भी, लेकिन उसके मुकाबले में कोई ऐसी दवा है कि वो दे दी जाए तो यकीनी तौर पे वो ठीक हो सकता है, ज़्यादा मजबूत है, गुमान गालिब है। तो आप छोटा वाला वसीला इख्तियार करेंगे, कमज़ोर दवा इस्तेमाल करेंगे या पावर वाली दवा इस्तेमाल करेंगे? तो अब अल्लाह के नबी सल्लम का वसीला भी लगाया जा सकता था और हज़रत अब्बास का अगर शख्सियत का जाहो मरतबे का वसीला होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हज़रत अब्बास का क्या मकाम था? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी करीम सल्लम के मुकाबले में कोई मकाम नहीं था, यानी उनके मुकाबले में आप तो नबियों के सरदार हैं और आप हज़रत अब्बास सहाबा में भी सबसे ज़्यादा दर्जे वाले नहीं हैं, तो अल्लाह के नबी को छोड़कर हज़रत उमर ने इनको क्यों लगाया? इसका मतलब ये कि हज़रत उमर जानते थे कि आपका वसीला आपकी ज़िंदगी में लग सकता था, आपकी वफ़ात के बाद नहीं, लिहाजा ये शख्सियत का वसीला नहीं था, दुआ का वसीला था। हम ये अगले दुरूस में इंशाअल्लाह इस हदीस की भी तफसील पढ़ेंगे और ख़ास तौर से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब शरीयत ने जो वसीले बताए हैं और जो वसीले आज हमारे यहाँ राइज हैं और सही और गलत में लोग फ़र्क नहीं कर पाते, तो हम ये जानें कि जो सही है जिसको हम तवस्सुल मशरू कहते हैं, उलमा ने जो वसीले की किस्में बयान की, एक तवस्सुल मशरू कि वो वसीला जो मशरू है शरीयत में जिसकी इजाज़त है, और तवस्सुल गैर मशरू वो वसीला जो शरीयत में नहीं है, जो बिदती है, नाजायज़ है। अब तवस्सुल मशरू भी कई किस्मों पर मुश्तमिल है, तीन किस्में लोगों ने बयान की। तवस्सुल गैर मशरू ने जो नाजायज़ तवस्सुल है उसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, ये इंशाअल्लाह हम आइंदा दुरूस में पढ़ेंगे दलाइल के साथ और उन दलाइल का या शुभात का भी जायज़ा लेंगे जो अहले बिदत नाजायज़ तवस्सुल के बाब में बयान करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन के तमाम उमूर को, ख़ास तौर से वो उमूर जो हमारी बुनियाद और अकीदे से मुतालिक हैं और निजात को के लिए ज़रूरी हैं, उनको सही तरीके से समझने और इख्तियार करने की तौफीक अदा फरमाएँ और उसको हमारी निजात का ज़रिया बनाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।